ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोलन के एचएफसीएल उद्योग के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं और आज उन्होंने जमकर लेबर ऑफिसर के खिलाफ नारेबाजी भी की। सभी कर्मचारियों ने मिलकर रैली निकाली और उपायुक्त सोलन को ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने आरोप लगाया कि श्रम विभाग के अधिकारियों की सांठगांठ उद्योग प्रबंधन से है, इसलिए वे पिछले 1.5 वर्षों से उद्योग प्रबंधन पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं ला रहे हैं। सोलन के एचएफसीएल के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आज सड़कों पर उतर आए और जमकर लेबर अफसर के खिलाफ नारेबाजी भी की। सभी कर्मचारियों ने मिलकर रैली निकाली और उपायुक्त सोलन को ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने आरोप लगाया कि श्रम विभाग के अधिकारियों की सांठगांठ उद्योग प्रबंधन से है, इसलिए वे पिछले 1.5 वर्षों से उद्योग प्रबंधन पर कोई कार्यवाही अमल में नहीं ला रहे हैं, इसलिए आज इन्हें मजबूरन सड़क पर उतरना पड़ा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर फिर भी उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता तो वे अपना प्रदर्शन उग्र करेंगे और जिसका जिम्मेवार जिला प्रशासन होगा। रोष प्रकट करते हुए कर्मचारियों ने कहा कि उद्योग प्रबंधन और श्रम विभाग उनकी कोई बात नहीं सुन रहा है, यहाँ तक कि श्रम विभाग का कोई भी अधिकारी मौके का निरीक्षण करने नहीं आया। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा तो उद्योग प्रबंधन के बाहर आमरण अनशन करेंगे। वही महिला कर्मी ने कहा कि उद्योग प्रबंधन महिलाओं के बिल्कुल खिलाफ है और वे महिलाओं को मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है। हद की बात तो ये है कि लेबर डिपार्टमेंट में 1.5 साल से मामला चला, वहाँ पर लेबर डिपार्टमेंट का कोई आदमी लेबर वहाँ निरीक्षण करने नहीं आया, जबकि हमने लेबर कमिश्नर को भी लेटर लिखे हैं। आगे तो हमारी रणनीति इस तरह की रहेगी कि अगर प्रशासन ने भी कोई इंटरफेयर नहीं किया, लेबर डिपार्टमेंट ने भी कोई इंटरफेयर किया, तो हम भूखे रह के जान दे देंगे उस गेट पे, क्योंकि हम 25 साल से 2.5 साल हमारे को जॉब करते हुए हो गए हैं। तो अब अगर कोई भी नहीं हुआ तो हम अपना आंदोलन का रास्ता करेंगे, जान गंवा देंगे वहाँ पे, हम अनशन पे बैठेंगे। हम बहुत एचएफसीएल में 25 साल से जॉब कर रही हूँ और 24 साल की एज में मैं वहाँ जॉब करती थी और आज मेरे को 25-26 साल वहाँ हो गया है, लेकिन आज की डेट में मैनेजमेंट ने कुछ ऐसा माहौल वहाँ क्रिएट कर रखा है कि जिसकी वजह से खास करके औरतों को ज़्यादातर हरासमेंट किया जाता है। हमारे बीपी सर है वो हम लेडीज़ों के बेहद खिलाफ है, हमारे साथ तरह तरह की बदतमीजियाँ भी करते हैं, और जैसे मतलब लेडी कहीं अकेली जगह में बैठे हुए हैं या कहीं हमारी टी ब्रेक है या थोड़ा सा वर्क से हमें रिलैक्स होकर के बैठते हैं, वहाँ कैमरा लेकर के हमारी फ़ोटो भी खींचते हैं। कहना है कि मेरा बस चले तो मैं एक औरतों को भी एचएफसीएल के अंदर रहने नहीं दूंगा, इसलिए अब तो उन्होंने सबको ही हरासमेंट करना शुरू कर दिया। वही ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश भारद्वाज ने कहा कि जब कर्मियों ने अपना मांग पत्र सौंपा तो उद्योग प्रबंधन ने यूनियन के 3 पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया, जिससे प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर अब उद्योग में कोई माहौल बिगड़ता है तो श्रम विभाग जिला प्रशासन के साथ साथ मंत्री राजीव सहजल और श्रम मंत्री भी जिम्मेवार होंगे। वही इस बारे में लेबर इंस्पेक्टर ने कहा कि उन्हें उद्योग में चल रही हड़ताल के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वे पिछले काफी समय से श्रमिकों और उद्योग प्रबंधन के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं जिसका कोई परिणाम नहीं निकला है। उन्होंने अपना मांग पत्र दिया तो उस मांग पत्र के विरोध में जो यहाँ पर यूनिट हेड है, लोकेशन हेड है, और इस बात को लेकर के मांग पत्र आपने क्यों दिया, 3 मजदूरों को जो है सस्पेंड कर दिया, नौकरी से सस्पेंड कर दिया, और वो भी सस्पेंशन ऑर्डर तब दिए जब पुलिस को बुला लिया और पुलिस भी ऐसी है कि बंदूकें लेके वहाँ पहुँच गई। अरे ये इंटरनल मामला है, उसको सुलझने दो, उसको ऊपर आग के ऊपर घी मत डालो, और इस व्यवहार से जो परिणाम पैदा होंगे उसके लिए एचएफसीएल की मैनेजमेंट तो जिम्मेदार होगी होगी, पुलिस का प्रशासन भी जिम्मेदार होगा और हमारा जिला प्रशासन भी, और हिमाचल प्रदेश के अंदर इस जिले के मंत्री सहजल भी और लेबर मिनिस्टर भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे।